मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो क्रीपर भीड़ बना दिया है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल YT रंजीत। तो गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, बिकॉज गाइस ये जो वर्ल्ड है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। मतलब आप लोग को क्या ही बोलूँ, इस वर्ल्ड के अंदर आप लोग को हर एक चीज सेम टू सेम टेक्नो गेमर जैसा मिलेगा। जो भी उन्होंने नए अपडेट्स किए हैं, आपको सेम टेक्नो गेमर जैसा देखने को मिलेगा। और गाइस, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ही डाउन कर लो, पहले आप लोग वीडियो को देखो, पहले आप लोग अपडेट्स को देखो कि कैसे हैं वो, और उसके बाद आप लोग डिसाइड करो कि आप लोगों को ये वर्ल्ड डाउन करना है या फिर नहीं। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला। गाइस, कल कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, बट कोई बात नहीं यार, आज डाल रहा हूँ। आज जो वीडियो डाल रहा हूँ उसके अंदर आपको फुली अपडेटेड वर्ल्ड मिलेगा। मतलब इसके अंदर हर एक चीज़ है जो टेक्नो गेमर्स ने बनाया है या फिर वो बनाएंगे। तो भाई बस वीडियो को देखते जाओ यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल से भी स्किप मत करना, प्लीज इसके अंदर पासवर्ड है। तो चले गए यार, बिना इसी देरी के करते अपने वीडियो को स्टार्ट। गाइस, सारे अपडेट्स आपको दिखा देता हूँ जो भी टेक्नो गेमर्स ने अपने कासल में किया है। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले अपडेट की तरफ। तो गाइस, हमारा जो सबसे पहला अपडेट है वो है यहाँ पे शिप्स का। तो आप लोग देख लो यार, यहाँ पे जो भी टाउन हॉल विलेजेस के, यहाँ पे देख लो कितने सारे शिप्स डाल दिए मैंने। सेम टेक्नो गेमर्स ने डाला था तो मैंने भी डाल दिया, मैंने बोला जान दो यार डाल देते हैं। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे शिप्स हैं। उन्होंने मेन कांड ये किया है कि यहाँ पे जितने भी ग्रीन ब्लॉक्स थे, आप लोग देख सकते हो उनको इन्होंने डर्ट में बदल दिया है, जो लुक खराब कर रहा है यार। तो चलो यार, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड अपडेट की तरफ। तो ओके गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं अपने मेंशन की तरफ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैनर की। तो बैनर आप लोग को पता ही होगा कि टेक्नो गेमर्स ने जैसा बैनर बनाया था क्रीपर का, आप देख सकते हो मैंने सेम बना दिया है। बट गाइस, प्रॉब्लम ये कि ये जो बैनर है वो शील्ड में सिर्फ जावा एडिशन में लगता है, पाव एडिशन में नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे लगा दिया है। अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो आप लोग खुद ट्राई करके देख सकते हो। और अब बढ़ते हैं इसके अंदर की अपडेट। तो गाइस, ये सब तो अपडेट है ही, यहाँ पे लूप सब कुछ एकदम मस्त लगा हुआ है, एकदम तगड़ा लगा हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं, आप देख सकते हो मैंने सेम टू सेम बालकनी लगा दिया, आप लोग देख सकते हो एकदम तगड़ा बन चुका है। और यहाँ से व्यू भी दिख रहा है पीछे, आप देख सकते हो ये रहा हमारा स्टैचू जो कि सेम टेक्नो गेमर जैसा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा तगड़ा है, यहाँ पे सामने उज्जवल लिखा है, आप लोग देख सकते हो UG सेम। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जैसा सेम टेक्नो गेमर ने डेकोरेट किया था, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया। उनके थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, तो सीधी सी बात है भाई, ये वो कर देंगे इसलिए उनका थंबनेल बना है। और यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ से मैंने सेम टू सेम टेक्नो गेमर जैसा बना दिया है। और ये तो हमारा स्टैचू, आप देखते हो इनके बाल हेयर वेयर सब वैसे ही है। और मैंने पीछे यहाँ पे आप देखते हो क्रीपर भीड़ बना दिया है जैसा सेम टेक्नो गेमर ने बनाया था। नीचे का पैंट ये सब एकदम कवर कर दिया, एकदम मस्त लग रहा है। यहाँ पे मैंने आप देखते हो हाथ भी बना दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। और भाई सच्ची में यार, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा बना है, मैं खुद यहाँ पे मतलब बहुत ही मत बनाया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस, मेरे हिसाब से आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे मैंने स्टैचू को बनाया है, भाई सेम टेक्नो गेमर्स जैसा बनाया है, कोई भी ऐसा वैसा नहीं बनाया है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को इसको डाउनलोड तो करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। तो अब बात कर रहे थे कि कैसे आप लोग इसको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर ले सकते हैं। तो चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने ज़ेड आर्चीवर को ओपन कर लेना। ज़ेड आर्चीवर ओपन करने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में उस फाइल को डाउनलोड किया, आपको उस फोल्डर को ओपन कर लेना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर में डाउनलोड किया है, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको फाइल दिख जाएगा कुछ इस टाइप से। आपको क्या करना है, इसको एक बार टच करना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपको वीडियो में रैंडमली मिल जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको पासवर्ड डालने के बाद। ओके गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का फोल्डर आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको प्रेस करके रखना है। यहाँ पे कट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऊपर जाना है, ऊपर यहाँ पे डिवाइस में भी क्लिक करना है, गेम फोल्डर में जाना है, कॉम्पटन मोजांग में जाना है, माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में जाना है, और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है इसलिए मुझे इसको ऑप्शन आ रहा है। आपने पेस्ट नहीं किया होगा तो आपको इसकी ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपना माइनक्राफ्ट ऑन कर लेना है। तो देख सकते हो यार कितना ज़्यादा तगड़ा है। तो जाओ यार डाउनलोड कर लो और इन्जॉय करो। और हाँ यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, जो कि लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। तो बस यार, आज के वाले वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I'm